हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कि हम भिन्नों को कैसे जोड़े, भिन्नों को बाकी कैसे करें और भिन्नों को गुणा और भाग कैसे करें। भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग हम कैसे करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि हमें जोड़ करना है, और जोड़ करना है दो भिन्नें हमें दे रखी है। कैसे हम इसको इजी तरीके से जोड़ करेंगे? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, दो को इस पांच से आपको गुणा करना है। दो पंजे कितना होगा? 10, लिख लीजिए यहाँ पर। अब इस तीन को, इधर वाले को, तीन से तीन को, तो तीन त्रिका प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। तीन त्रिका 9, ये हो गया हमारे पास। नीचे इन दोनों को गुणा करके तीनों पंजे 15, दो पंजे 10, तीन त्रिका 9, और लास्ट में तीनों को तीनों पंजे 15। अब जोड़ के लिख दीजिए, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, 19/15। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 19/15। नेक्स्ट और लेते हैं, सेम 5 को 7 से करना है, 5 7 35। एंड नेक्स्ट 11 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 2 से, 11 2 ज़ार 22। एंड नेक्स्ट को नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 और 5 कितना हुआ? 2 और 5 7, 2 और 3 5 बटा 77, 57 बटा इसका क्या आंसर आ गया? 77। 5 7 35, 11 2 9 22, 11 7 77। तो 35 और 22 को जोड़ा, 57 आ गया, बटा में क्या रह जाएगा आपका? 77। एंड नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन लेंगे कि हम बाकी कैसे करें, भिन्नों को हम कैसे घटाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, आपको जैसे प्लस में आपने किया ना, वैसे ही इसमें भी आपको करना है। सबसे पहले 8 को 5 से करेंगे, 8 और 5 40, 9 को 3 से करेंगे, 9 3 27, ये हो गया। बीच में चिन्ह माइनस का था, इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस। और नीचे इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना है, तो 9 5 45, 9 5 45। माइनस कर लीजिए, 10 में 7 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 13 आ गया, और नीचे आपका क्या रहेगा? 45। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। 8 को 5 से किया, 8 और 5 40, 9 को 3 से किया, 9 3 27, बीच में माइनस का चिन्ह लिए, माइनस लगाया, और नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली से, 9 5 45, और इसको माइनस करेंगे तो 13 बटा कितना आ जाएगा? 45। नेक्स्ट है, 7 बटा 11 में से घटाना है 3/8 को। सिंपल, 7 को 8 से करेंगे और 11 को 3 से, 7 2 8 56, 11 माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए, 11 3 33। अब क्या करना है? नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली से, तो 11 को 8 से करूंगी, 11 8 88, माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23 आ गया, और नीचे है 8 8, तो 23/88 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, गुणा हमको करना है, और गुणा करने के लिए 11/12 को गुणा करना है 2/9 से। 2/9 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो सबसे पहले पहली संख्या ऊपर वाली को ऊपर वाली से करेंगे, और नीचे वाली को नीचे वाली से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो 11 को इंटू करना है 2 से, और 12 को इंटू करना है 9 से, तो 11 2 9 22, और 12 9 108, 12 9 108। अब अगर ये कटती है संख्या तो इसको कट कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 6 12, बट यहाँ हमने नहीं किया इसलिए हम यहाँ करेंगे। 2 से 8 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, और 2 4 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/54 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 6 को 1 से, 6 × 1, 11 को 7 से, तो 11 × 7, तो 6 एकम 6, 11 7 77, उसका आंसर हो जाएगा 6/77, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें भाग करना है, और भाग हम कैसे करेंगे? सबसे पहली वाली जो संख्या है ना, उसको तो हमें ऐसा कैसा लिखना है? 5/8। अब इस भाग की जगह आपको लगाना है गुणा का निशान, और गुणा का निशान लगाते ही जो लास्ट, इसकी जो लास्ट वाली संख्या है उसको हमें इस अंकों को पलटना है। जैसे 3/7 है, तो इसको कैसे लिख देगी? 7/3, तो हम लिख देंगे इसको 7/3। अब इनको ऊपर वाली से गुणा, नीचे वाली को नीचे वाली से, तो 5 7 35, 8 3 24, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो 35/24 का क्या होगा? आंसर होगा।
नेक्स्ट है 7/2, तो हम लिखेंगे 7/9, भाग की जगह गुणा का निशान, और 1/8 को लिख देंगे 8/1। 7 × 8 = 56, और 9 × 1 = 9, 56/, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 9, 56/9। एंड इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने जोड़, बाकी गुणा भाग जो है भिन्नों का वो हमने सीखा है। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।